क्लासिक सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर एक, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहले का उत्तर है, ए का उत्तर है 2, बी का उत्तर है 1, सी का उत्तर है 4 और डी का उत्तर है 5 और ई का है 3। अगला प्रश्न है 2, पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। उत्तर है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते का को काट कर तथा भुर्ज पेड़ की छाल पर हाथों से लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। प्रश्न नंबर 3, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। उत्तर है, रसीदा अपने आप से सवाल करती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उत्तर है, इतिहासकार विभिन्न स्रोतों जैसे पांडुलिपियों, सिक्कों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के आधार पर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, पुरातत्व विदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थरों की बनी हो सकती है। उत्तर है, पुरातत्व विदों को खुदाई से विभिन्न वस्तुएं, चित्रों, मूर्तियां, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों, हड्डी, अन्न के दाने, कपड़ों आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से औजार, मूर्ति, आभूषण और हथियार पत्थरों के बने हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। उत्तर है, साधारण स्त्री और पुरुषों का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा पड़ा था, साथ ही उनके पास साधनों की कमी थी। अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि अपने कार्यों का विवरण रख सकें। अगला प्रश्न 6वां, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के बीच के जीवन से भिन्नता का पता चलता है। उत्तर है, किसानों का काम खेतों में काम करना और अनाज उगाना था, वहीं दूसरी ओर एक राजा का काम शासन को सुचारू रूप से चलाना और तराइयों पर विजय अर्जित कर राज्य का विस्तार करना था। इस तरह एक किसान का जीवन परिश्रम से भरा होता था, उसकी तुलना में राजा का जीवन किसान के जीवन से थोड़ा आरामदायक होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार पहला स्त्री, दूसरा पुरुष और तीसरा है स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। उत्तर है कि हस्तशिल्प में स्त्री पुरुष दोनों होते थे, भवन शिल्प में सिर्फ पुरुष कार्य करते थे, मूर्ति शिल्प में स्त्री पुरुष दोनों होते थे और काष्ठ शिल्प में पुरुष होते थे और चर्म शिल्प में पुरुष होते थे। अगला प्रश्न है 8, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी। उत्तर है, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी, पहला धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, दूसरा राजाओं के जीवन पर, तीसरा औषधियों तथा विज्ञान पर, चौथा महाकाव्य कविताएं तथा नाटक पर। ये आपका चैप्टर 1 इतिहास का पूरा हो चुका है। अब अगले प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ये और बच्चों तक पहुँचे जिनके पास नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार।